ये ड्राइवर पोजीशन का साउंड है और ये है एग्जॉस्ट का साउंड। अगर आपको बाइकिंग का शौक है और घूमने जाते हैं, आउटिंग करते हैं, बाहर जाते हैं और ढूंढ रहे हैं कोई एक अफोर्डेबल एक ऑप्शन, तो रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च कर दी है नई स्टैम। तो गाइस, ये है वो मोस्ट अवेटेड बाइक जो लोग आउटिंग करते थे और जो लोग एडवेंचर बाइकिंग करते हैं और एक अफोर्डेबल एक रेंज के अंदर वो मोटरसाइकिल लेना चाहते थे। तो क्या होता था कि हिमालयन का भी ऑप्शन था पहले, बट लोग कंफ्यूज थे कि थोड़ा सस्ता ऑप्शन मिल जाए, हिमालयन जैसा मिल जाए, जैसे कि कुछ लोग अपनी नॉर्मल बाइक्स को हिमालयन की टायर और सस्पेंशन लगा के बनाते थे। मेरी हाइट है 5'11" और मैं इस बाइक पर बैठ के कुछ इस टाइप का लग रहा हूँ, कुछ इस टाइप का लुक आएगा अगर 5'11" वाला बंदा बैठे। वैसे मैं बता दूं कि मेरे जो पैर हैं वो पूरे नीचे नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ तो नीचे लग जाएंगे। छोटी हाइट वालों को थोड़ी सी जो है देखना पड़ेगा। बाकी जो बाइक है, बाइक का जो लुक्स है वो कूल रखे गए हैं इस बारी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसकी बैक साइड से, क्योंकि बैक साइड ही जो कंपनीज होती हैं वो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं। तो बैक में सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, ये जो ग्रैब रेल्स हैं, जो ग्रैब रेल्स हैं ना गाइस, ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है। देखिए, है तो ये वैल्यू फॉर मनी वाला ग्रैब रेल डिज़ाइन, लेकिन लग रहा है कि प्रॉमिसिंग डिज़ाइन है। और ये जो इसकी इस बारी फिट फिनिश है वो भी अच्छी है, पेंट की क्वालिटी भी थोड़ी बेटर लग रही है। टेल लाइट दिखा दो एक बारी, इसको ऑन करके इसकी टेल लाइट दिखाते हैं। तो काफ़ी क्रिस्प सुंदर, थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच है, बट यहाँ से जो इसकी फिनिशिंग है वो काफ़ी प्रॉपर है। और इसकी अगर लाइट ऑन करूँ मैं तो कुछ इस टाइप की इसकी लाइट्स हैं, लेकिन इसमें अभी भी जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन बल्ब भी हैं। और यहाँ पर एक नंबर प्लेट की लाइट है जो कि वाइट कलर की जल रही है, काफ़ी सुंदर है। पीछे से जो प्रॉपर इसका जो लुक है वो कुछ इस टाइप का लुक आपको मिलेगा। जो इसकी हाइट है, देखिए टायर के और स्विंग मतलब पिछले फेंडर के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, टायर का साइज़ भी ज़्यादा है। अभी स्पेसिफिकेशन पे चलेंगे थोड़ी देर बाद, उससे पहले मैं डिज़ाइन को एक्सप्लेन कर दूं। तो ये देखिए, लाइट थोड़ी सी पास आके दिखाइए, तो कुछ इस टाइप की फिनिशिंग है इसके अंदर, जो डिज़ाइन के पार्ट्स हैं ये देखिए, तो कुछ ऐसे करके लाइट जो है इसके अंदर जा रही है और ये यहाँ पर लगी हुई है ऐसे करके। ये जो है कुछ एरो शेप में नंबर प्लेट लगाने की जगह है, तो मतलब ऐसा ही नहीं छोड़ा इस बारी डिज़ाइन की कुछ भी छोड़ दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिसने भी इसके ऊपर काम किया है काफ़ी प्रॉपर तरीके से काम किया है। थोड़ा सा इसका रेयर फेंडर दिखा दो, तो रेयर फेंडर आपको क्रॉसओवर या फिर ऑफ रोडर बाइक की तरह, एडवेंचर बाइक की तरह ये कुछ लग सकता है। फाइबर बॉडी है इसकी पूरी, लाइट वेट रखने के लिए इन बाइक्स को, कि आप अगर ट्रेन्स पे जाएंगे, जैसी मर्जी आप कहीं पे जा सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है वेट ज़्यादा ना बढ़े। मेटल के पार्ट्स आजकल कंपनीज यूज़ नहीं करती। अब देखते हैं इसका एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट जो है, इसका नोट भी सुनाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, बट जो एग्जॉस्ट है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है, सिल्वर की स्टील की यहाँ पे कुछ फिनिश है इस टाइप की, और यहाँ से मैट ब्लैक है। ये जो एग्जॉस्ट का टिप है वो कुछ इतना चौड़ा यहाँ से ये टिप देखने को मिल रहा है। बाकी जो एग्जॉस्ट रखा गया है वो सिंपलेस्ट एग्जॉस्ट है, आई थिंक आपने ये ऐसा कुछ पहले भी देखा होगा। अब आती है बात किस चीज़ की, वो है इसकी साइड फेयरिंग। साइड फेयरिंग हमें पहले भी बहुत अच्छी लगती थी, जो कि पहले और मॉडल्स है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये हिमालयन तो नहीं है, तो वो बात करेंगे बाद में, बट उससे पहले हम देख लेते हैं ये वाला जो इसका साइड फेयरिंग है, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है इसके अंदर। ये भी फाइबर है और काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। हमारे पास ये जो कलर है अभी, ये है वाइट एंड रेड, तो वाइट एंड रेड के अंदर ये जो खूबसूरती है ना इसकी, वो और ज़्यादा निखर के आ रही है। अब चलिए जो इसकी सीट है, अब सीट में क्या चेंजेस हैं, देखिए सीट कितनी डाउन कर दी आगे से, देख रहे हैं कितनी डाउन है। अगर मैं इसको सीधा करता हूँ तो काफ़ी डाउन सीट है इसकी, ये वाली सीट ऊपर है। तो अगर बाइक को दूर से भी देखें तो जो सीट है वो प्रॉपर लग रही है, ऐसा नहीं है कि कोई सी भी सीट लगा दी हो, प्रॉपर डिज़ाइन की सेंस इस बारी यूज़ की गई है। अब बात करते हैं गाइस इसके फुट पैक्स की। तो ये जो फुट पैक्स है ना, कुछ इस टाइप के फुट पैक्स इस बारी दिए गए हैं, सिंपलेस्ट डिज़ाइन है, लेकिन वही देखिए ये नॉकिंग साउंड जो है काफ़ी प्रॉपर है। ये वाले भी
जो है एडजस्ट, मतलब वो वाले स्प्रिंग वाले, और आपको जो ये ब्रेक पैडल है ये कुछ इस टाइप का मिलने वाला है, क्योंकि एडवेंचर बाइक के अंदर कुछ इसी टाइप का ब्रेक पैडल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप ये बाइक राइड कर रहे होंगे और आपके जो पैर हैं वो कीचड़ में होंगे तो ये जो चीज़ें स्लिप हो सकती हैं, इसलिए उस चीज़ को बचाया जाता है ये ऐसा करने से। अच्छा देखिए, ये जो इसका टैंक है, ये टैंक है, ये ऑलमोस्ट जो है हिमालयन जैसा है, बट इसमें जो साइड के ये लगा दिए गए ना फेंडर्स वगैरह, ये जो फ्लैप्स वगैरह लगा दिए गए हैं, इनकी वजह से जो लुक्स हैं वो और ज़्यादा थोड़े से इन्हेंस्ड हो गए हैं, थोड़े से बल्की हो गए हैं और थोड़ी प्रॉपर फिनिश लग रही है। कि टैंक तो ये है, इसके ऊपर एक और रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है, अब इसमें काफ़ी सारी एक्सेसरीज जो होंगी वो लग सकती होंगी, जो इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगी रॉयल इनफील्ड से भी और आफ्टर मार्केट भी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये अब काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा। अब गाइस, जो इसकी कीज़ हैं वो कुछ रॉयल इनफील्ड की सिग्नेचर कीज़ जैसी हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी रगेड फिनिश है, इसके फ्यूल लिखा हुआ है यहाँ, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, प्रीमियम सा लुक है इस बारी। की मैं लगाता हूँ, खोलता हूँ तो ऐसे करके ये जो है आपके हाथ में नहीं आएगा, बाइक में ही लगा रहेगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि इस टाइप की जो चीज़ें हो बाइक के अंदर हो। इस बारी जो है पेंट फिनिश भी काफ़ी स्मूथ और प्रॉपर है। ये जो वाइट पेंट की और वाइट एंड रेड की कॉम्बिनेशन की बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका जो वाइट पेंट है वो भी काफ़ी स्मूथ है, रेड वाला मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बना रखा है ना काफ़ी स्मूथ लग रहा है। अब ये पेंट है या फिर कंपनी ने कोई और सा ट्रीटमेंट इसके ऊपर डाला है ये तो टेक्निकल वाले लोग बता पाएंगे, लेकिन काफ़ी प्रोमिनेंट लुक है नो डाउट। अब इसका जो ड्राइवर पोजीशन है, एक बार यहाँ से आके दिखाओ, तो यहाँ से अगर कैमरा देखें तो ये कुछ इसकी ड्राइवर पोजीशन है, कुछ इस टाइप की आपको ये बाइक दिखने वाली है, ठीक है। सिंगल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में सिंगल मीटर है यहाँ, और कुछ इस टाइप का लुक्स हैं। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी सॉलिड और ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है, काफ़ी ठोस फिनिश लग रही है नो डाउट। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन जो टी होती है ये भी काफ़ी ठोस डिज़ाइन है इसका। जो कंट्रोल्स हैं वो नॉर्मल ही रखे गए हैं, जैसे कि होता है, जैसे कि किल स्विच, हैजार्ड, यहाँ पे आपका सेल्फ, आगे आपका मीटर के लिए, और इस तरफ जो है हाई लो, ये पासिंग हो गई आपकी, टर्न इंडिकेटर्स हो गए, उसके बाद में लीवर्स हैं और कुछ इस टाइप के। इस बारी क्या, खैर इस टाइप के तो ये जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये तो हमने काफ़ी देखे हुए, तो नॉर्मली साइड व्यू मिरर्स रखे गए हैं इसमें। फिर जो है इग्निशन की बारी आती है, तो मैं इग्निशन इसका ऑन करता हूँ और इग्निशन सीक्वेंस देखेंगे। 3, 2, 1 इग्निशन सीक्वेंस स्टार्ट। तो ये कुछ इसका इग्निशन सीक्वेंस है, कुछ मीटियोर की याद दिलाएगा ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट इसमें यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन अभी तो नहीं है कंपनी ने, लेकिन प्रोविजन कंपनी देगी कि आप यहाँ से एक प्लेट आएगी उसकी, यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसका फ्रंट देख लेते हैं एक बारी, तो ये जो है ना ये वाला लुक ये थोड़ा सा इस बारी प्रोमिनेंट दिया है नो डाउट। इसमें यहाँ पे हमें रॉयल इनफील्ड की दोबारा से बैजिंग देखने को मिल रही है, काफ़ी प्रोमिनेंट है। आगे दो टर्न इंडिकेटर्स हैं जो कि हैलोजन है, लेकिन ये जो लाइट है, लाइट में जो आप ये DRL देख रहे हैं बेसिकली इंटरसेप्टर वाली ही लाइट है, तो ये जो लाइट है काफ़ी कूल लग रही है। इसकी ये वाली जो फिनिश है ये भी काफ़ी कूल लग रही है, बजाय ये सिल्वर में होती इस बारी ब्लैक में रखा गया, वो भी मैट में, काफ़ी कूल लग रही है नो डाउट। यहाँ से अब ये जो देख रहे हैं ये शॉकर, और ये थोड़ा सा मस्कुलर लुक आ रहा है इसके अंदर, मैं अगर इसको इन पर्सन देखूं तो। अब इसका फेंडर एक बार दिखाते हैं, तो फेंडर का जो शेप है, जो कूल लुकिंग इस बारी फेंडर इसका बनाया गया, फ्रंट फेंडर ये देखिए। अब लोग बोलेंगे कि ये मेटल का है, तो ये मेटल का नहीं है, ये फाइबर है, लेकिन कूल लुकिंग जो फ्रेम है इसका वो बनाया गया। इधर डिस्क का सपोर्ट है, प्रॉपर बड़े साइज की डिस्क है। अब बातें हो गई बहुत, अब सुनते हैं इसका साउंड कि साउंड कैसा है, तो स्टार्ट करने वाला हूँ इसको। ये देखिए सेल्फ का साउंड सुनेंगे फिर इंजन का, ये राइडर्स पोजीशन पे साउंड है इसका, इस टाइप का। अभी रेव नहीं किया है मैंने, ये जो है आइडियल साउंड है, कुछ इस टाइप का है, प्रॉपर थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है पहली वाली हिमालयन से। अगर इसको मैं इस तरफ से देखूँ, थोड़ा सा मूव भी करने की कोशिश करूँ, तो ये देखिए साउंड ऐसे ही आएगा। ये ड्राइवर पोजीशन का साउंड है और ये है एग्जॉस्ट का साउंड। काफ़ी स्मूथ है और कानों में भी नहीं लगेगा, काफ़ी स्मूथ फ्लो के साथ में ये साउंड जा रहा है। हम इस वक्त इनक्लोज एनवायरनमेंट में हैं, लेकिन तब भी ऐसा साउंड है। रेव करते हैं एक बारी, तो रेव करता हूँ मैं, पहले लाइट रेव करता हूँ।
इसमें इंजन है सिंगल सिलेंडर का, फोर स्ट्रोक SOSC एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन है इसके अंदर। और जो बोर साइज है, वैसे ये काफ़ी टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन फिर भी 78 mm का बोर है, स्टॉक है इसका 86 mm का, और CC है इसकी 411। जो कंप्रेशन रेशियो है इसके अंदर वो 4.5:1 का आपको इसके अंदर मिलेगा। मैक्स पावर ये दे देती है 24.3 BHP। मैक्स पावर की बात करें तो 24.3 BHP का पावर देती है, किलो वॉट के अंदर अगर कन्वर्ट करते हैं तो 17.88 किलो वॉट देती है 6500 RPM पर, जो कि निकालता है मैक्स टॉर्क 32 Nm एट 4250 RPM पर। मतलब आपको जो है प्लस माइनस हो सकता है उसके अंदर 250 RPM का जो रेंज है मैक्स टॉर्क में प्लस एंड माइनस हो जाएगा। ड्यूल चैनल ABS के साथ ये आती है। फ्रंट डिस्क जो है वो 300 mm डाया है उसका, एंड रेयर 240 mm का डाया आपको मिलता है। सो गाइज, ये थी रॉयल एनफील्ड की तरफ से 411 स्क्रैम। कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर इस बाइक के बारे में कुछ पूछना हो आपको तो मैं फर्स्ट कमेंट में नंबर छोड़ दूंगा, फोन करो पूछो कितने की है, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। हमारा काम था आपको वीडियो बना के दिखाना, आपका काम है शेयर और लाइक कर जाना। जब तक आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे, बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। टेक केयर।